अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो आज मैं आपको एक मोबाइल बताने वाला हूं जो कि अगर आप लेना चाहते 30,000 की रेंज में कोई अच्छा सा मोबाइल जो हैंग भी ना हो और 1080 सपोर्टेड हो, तो वो मैं आज आपको ये मोबाइल बता रहा हूँ। तो मैं खुद यूज़ किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा इसके साथ कैसा रहा। मुझे कम से कम एक साल हो गया है और ये मुझे बहुत पसंद आया, इस वजह से मैं आपको भी इसकी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं ओप्पो F7। तो ये मैंने खुद यूज़ किया है, तो इसको सबसे पहले ओपन करके दिखाते हैं। इसके पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें आपको 30,000 में मिलता क्या क्या है। 30 या 33 आपको जितने का मिले तकरीबन इसके आसपास ही मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास AI जो आजकल बहुत चला हुआ है सेल्फी के लिए। AI सपोर्टेड है और 25 मेगापिक्सल फ्रंट है। इसमें 64 GB रोम और 4 GB रैम है। उसके बाद 6.23 इसका जो है डिस्प्ले है और इसका डिज़ाइन यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। तो ये उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी कुछ और इसकी डिटेल आपको मिल जाती है। तो आपने सिर्फ देखना क्या है कि मेरा काम था कि आपको फ़ोन बताना, तो ये मैंने खुद यूज़ किया है। तो इसके सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या मिलता है। तो ये पहले से मैंने ओपन कर लिया था, तो इसमें आपको एक इस कवर के अंदर ये फ़ोन बंद था हमारे पास। और इसके यहाँ पे आपको एक पिन मिलती है, इसमें एक दो तीन इसके मैनुअल मिलते हैं और ये इसका बिल है मेरे पास। तो ये मुझे जितने का पड़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये उसके साथ यहाँ पे आपको एक चार्जर मिलेगा, एक डाटा केबल और एक हैंड फ्री जो मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो इसके अंदर पूरी चीज़ें थी और उसके साथ यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और आपको मोबाइल चला के दिखाता हूँ। मोबाइल बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है, बिल्कुल भी आज तक हैंग नहीं हुआ मेरे पास। मैंने बहुत इसको जब से लिया तब से इसको रीस्टार्ट नहीं किया, यानी कि कुछ मोबाइल होते हैं जो रीस्टार्ट करो तो ही सही चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसके पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे एक डायमंड जैसा आपको मिलेगा, इसकी शाइनिंग मिलेगी पीछे डायमंड जैसी। यहाँ पर मैंने ऊपर एक ग्लास लगवा लिया और पीछे एक जिसको आप जैली पेपर कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैली पेपर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे और इसको इसी तरह यूज़ कर रहा हूँ। इसका कवर वगैरह नहीं लिया, इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है, स्मार्ट सा है बिल्कुल। इसके अंदर आपको मिलता है एक थंब यानी कि थंब लॉक, उसके बाद फेस लॉक और उसके बाद पैटर्न वगैरह बाकी जो जिसमें होते हैं। तो इसका जो थंब है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल फ़ोन से बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसका फेस लॉक है वो भी यहाँ पर नॉर्मल फ़ोन से बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे मैं इसमें सिर्फ डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें लॉक ओपन, इतना इसका फास्ट है। यहाँ पे मैं फिर करता हूँ, यहाँ पे ये देखें डबल क्लिक किया लॉक ओपन। इसका जो है ये था फेस लॉक और उसके बाद हम चेक करते हैं थंब लॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देखें, सिर्फ सिंगल क्लिक पर आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यानी कि दूसरे मोबाइल क्या होते हैं, हम लगाते रहते हैं वो एक दो बार मिस कर जाता है, लेकिन ये आपका कभी भी मिस नहीं करेगा और गलत कभी भी ओपन नहीं करेगा। यानी जो अगर कोई और भी यहाँ पे चेक करे लगा के तो नहीं ओपन होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वॉलपेपर जो लगा हुआ है, ये बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई ये कहाँ से मिलता है, कैसे आपने लिया है, हमें भी बताएं। तो ये वॉलपेपर मैंने खुद बनाया हुआ है, इसके जो साइडों पर डिज़ाइनिंग आई है, यहाँ पर नोच भी सही तरह से आपको दिख रही होगी इसकी। तो ये अगर आपने बनवाना है तो आप मेरा जो पेज है फोटोशॉप ऑनलाइन वर्क, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको फ्री में बना के दे सकता हूँ ये वाला पेज इस तरह का। हर मोबाइल का अपना साइज़ होता है, आपने क्या करना है इसकी स्क्रीनशॉट सेंड करनी है और मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मोबाइल के बारे में। यहाँ पर मैं मोबाइल पर आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो है अबाउट में हम चले जाते हैं। यहाँ पर अबाउट फ़ोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर
इसका जो कलर वर्जन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 5.0। और उसके साथ यहाँ पे आपको इसका जो प्रोसेसर है ओक्टा कोर है, और अगर आप लेना चाह रहे हैं F9 तो वो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप F9 की जगह इसे ले लें। F9 हैंग होता है, वो मैंने मेरे दोस्त के पास था, उसने खुद यूज़ किया, लेकिन ये मोबाइल हैंग बिल्कुल भी नहीं होता। साल से ज़्यादा हो गया मेरे पास, अभी तक ये बिल्कुल भी एक हल्का सा भी हैंग नहीं हुआ। जैसे न्यू मिलता है वैसे का वैसे अभी तक चल रहा है, जैसे अभी भी न्यू लिया हो। और इसके अंदर आपको 4GB रैम यहाँ पे मिलेगी, और इसमें आपको और कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने ऐप की थी जिसके ज़रिए हम इसका डाटा वगैरह चेक कर सकते हैं, ये CPU यहाँ पे लिखा हुआ है CPU। इसका चेक करने के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे उन्होंने मॉडल नंबर बता दिया वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं जो आपको काम की चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है इसमें, यहाँ पे फ्रंट जो है बैक जो है यहाँ पे 15 आपको मिलता है, 15 मेगापिक्सल, और फ्लैश लाइट भी है इसमें। इसके बाद 4x का इसमें जूम है। उसके बाद वीडियो ऑडियो इसके जो सपोर्टेड करता है यहाँ पे देखे 1080 तक ये सपोर्ट करता है। और जो इसका फ्रंट है वो 24 है, लेकिन डब्बे पे 25 लिखा हुआ है, लेकिन ये 25-24 इतना तो फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इसका जो फ्रंट है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरी जितनी भी वीडियो मैं शूट करता हूँ वो फ्रंट कैमरे से करता हूँ, और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं उसका रिज़ल्ट भी। और उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको बैटरी जो मिलती है यहाँ पे है 34 mAh, और ये मैं दिन में एक बार चार्ज करता हूँ, और 24 घंटे नेट भी इस पे ऑन रहता है, फिर भी ये बैटरी इसकी ज़ाया नहीं होती इतनी। यानी कि इसकी बैटरी जो है फिक्स है अंदर, और ये यहाँ से इसके स्लॉट निकलती है, यहीं पे सिम में डलती हैं, बैटरी इसकी ओपन नहीं होती। और इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोसेसर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोसेसर जो है 1.1989 के जो है, इसके अंदर 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप गिने तो यहाँ पे 8 बनते हैं, तो इतने प्रोसेसर यानी इसको कोर कहते हैं, एक प्रोसेसर के इतने हिस्से किए हुए हैं कि ये आपका मोबाइल बिल्कुल भी हैंग नहीं हो सकता इस प्राइस में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। यहाँ पे मेरे पास एक और ऐप है, यहाँ पे इसके ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा सिस्टम इंफॉर्मेशन में हम जाते हैं, और यहाँ पे आके हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पॉपअप ऑन हो गया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल जो दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें इसकी रैम रूम बताई हुई है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर काम कर रहे हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेसर काम कर रहे हैं 8 के 8। तो इसकी जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके प्रोसेसर हैं, प्रोसेसर जो है बिल्कुल भी इसे हैंग नहीं होने देते, इसमें 8 प्रोसेसर लगे हैं। और इसको मैंने कम से कम एक महीना इस पर रिसर्च की थी मोबाइल पे, फिर जाके मैंने मोबाइल लिया था कि 30-35 हज़ार की रेंज में अच्छा मोबाइल जो हैंग ना हो। मेरे पास पहले Q LT 700 था, उसमें 4GB रैम थी, सॉरी 3GB, लेकिन वो इतना हैंग होता था कि जब एक ऐप डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड इस पे बैक पे, तो आप सामने से इसे यूज़ नहीं कर सकते, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक ये हैंग रहता था। इसमें आप ऐप भी इंस्टॉल करें, बेशक आप सारे के सारे ऐप इंस्टॉल पे लगा दें और आप अपना काम करें, इस तरह ही चलेगा जिस तरह ये अब चल रहा है। ये नहीं कि आपका ऐप इंस्टॉल हो रहा है और ये थोड़ा सा हैंग हो जाए, ये हैंग तक नहीं होता। तो यही आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर आपको कोई अच्छा मोबाइल चाहिए तो ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी हैंग नहीं होता, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।